हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प, उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। और या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, परंतु अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा ये युद्ध। क्या हुआ माधव? शांति के साथ अधीरता का ऐसा मिश्रण मैंने आप में कभी अनुभव नहीं किया। मौन क्यों है माधव? क्यों आप हर बार उस योद्धा का अंत कर देते हैं जो इस युद्ध का अंत कर सकता है? क्यों माधव, क्यों? जिसे हम अंत समझते हैं वो एक नया प्रारंभ होता है बारबरी। जिसे हम काया का अंत समझते हैं वो कायांतरण होता है। और जिसे तुम एक योद्धा का अंत समझ रहे हो वो एक नए परिवर्तन का प्रारंभ है। उचित कहा माधव, हर अंत में ही एक नया प्रारंभ है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अंत के पश्चात एक नया परिवर्तन जन्म ले, क्योंकि कभी कभी एक अंत एक प्रतिशोध को जन्म देता है और वो हो चुका है। एक नया प्रतिशोध जन्म ले चुका है माधव। नहीं जानती थी मैं कि 100 पुत्रों की माता होने के गर्व के पश्चात 100 संतानों के वध का दुख भी सहना होगा। यही प्रश्न मेरे मन में बार बार उत्पन्न होता है गांधारी। जब महादेव ने तुम्हें स्वयं शतपुत्रवती बनने का वरदान दिया है तो क्यों वही एक एक करके हमारे पुत्रों को निगल रहे हैं? उत्तर मिलेगा आर्य, इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिलेगा। श्राप मुझे क्यों नहीं मिला कि मैं युद्ध में बाण चलाना भूल जाऊं? ये कैसा युद्ध है माधव, कैसा युद्ध? न्याय के लिए हमने अपने ही ज्येष्ठ का रक्त बहा दिया, और क्या बलिदान मांग रहा है ये महायुद्ध हमसे? कब होगा, कब होगा इस महाविनाश का अंत माधव, कब होगा? माधव कुछ समझ नहीं आ रहा,
धर्म और वचन का पालन करते करते हमसे क्या अधर्म हो गया? मैं तुम सबके मन की इस व्याकुलता को समझ सकता हूं। तुम सब इतने समय से सत्य से वंचित थे, किंतु इसका कारण स्वयं तुम्हारे ज्येष्ठ थे, और जब सत्य समक्ष आया तो बहुत विलंब हो चुका था। नकुल, सहदेव, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि अपने ज्येष्ठ के इस बलिदान गाथा को इस संसार में सुनाकर सदैव इस संसार के हृदय में जीवित रखो। पार्थ, तुम्हारे ज्येष्ठ अंगराज कर्ण सदैव इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व अपना अंत जानते थे। वो इस युद्ध का परिणाम भी जानते थे। पार्थ, परंतु चिंता मुझे उनकी है जो देख नहीं पाते, क्योंकि जो देख नहीं पाते उनकी इच्छाओं का परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ये क्या करने जा रही हो तुम? इस समय ना तो मैं आपकी बहन हूँ भ्राताश्री, और ना ही हस्तिनापुर की महारानी गांधार नरेश। इस समय मैं एक माता हूँ, एक माता जिसे महादेव से उत्तर चाहिए उसके साथ हुए अन्याय का, और जब तक मुझे वो उत्तर नहीं मिल जाता आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मूर्खता मत करो बहना। अग्नि को आलिंगन देने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पूर्व मेरे आलिंगन में आने को शेष मेरा अंतिम पुत्र भी काल के गाल में समा जाए, महादेव को मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। नहीं 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 बहना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें ये सब कुछ। आप हस्तिनापुर की महारानी को आदेश दे रहे हैं गांधार राज? देखो बहना, ईश्वर के लिए ये सब मत करो। एकांत। संहार के देव है ना महादेव, तो आज मैं स्वयं को संहार करके आपको प्रस्तुत करती हूं। आपने मुझे शतपुत्रवती होने का वरदान दिया था महादेव, परंतु आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्यों आपने मेरा जीवन अभिशाप बना डाला महादेव? आ, 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 आ,
बोलिए महादेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए। आपने मेरे जीवन को एक जीती जागती चिता बना डाला है। ये माता अपने पुत्रों का हंसता हुआ मुख नहीं देख पाई, मुख नहीं देख पाई, परंतु उनकी चिताओं की अग्नि को अनुभव किया है महादेव। या तो आप अपने उत्तर से मेरे मन को शीतलता दीजिए, अन्यथा मुझे जीते जागते जल जाने दीजिए। किस प्रश्न ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है गांधारी? अन्याय ने मुझे विचलित किया है महादेव, वो अन्याय जो आपने मेरे साथ किया। मेरे 100 पुत्रों के वरदान को 100 पुत्रों के नाश के अभिशाप में बदल दिया है उन पांडवों ने। बोलिए महादेव, बोलिए, ये कैसी नीति है आपकी? ये तो नियति है गांधारी। हरेक के जन्म के साथ उसकी मृत्यु निर्धारित होती है। उसे लेके मनुष्य विचलित हो सकता है, परंतु ना ही ये अन्याय है और ना ही प्रतिशोध का कारण। नहीं महादेव, मैं ना तो यहाँ प्रतिशोध के लिए आई हूँ और ना ही प्रतिकार के लिए। ये एक माता है जो आपके समक्ष खड़ी है, जिसके 99 पुत्रों का निर्दयता से वध कर दिया गया है। उसे केवल 1 पुत्र की सुरक्षा चाहिए। मुझे दुर्योधन की मृत्यु नहीं देखनी है। आपका वरदान झूठा नहीं होना चाहिए महादेव। जिसे आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया, वो निसंतान नहीं मरनी चाहिए महादेव। जो हानि मेरी कोख को अब तक हुई है, उसे मैं सह लूंगी, किंतु मेरा अंतिम शेष पुत्र दुर्योधन, मैं आपसे उसकी सुरक्षा मांगती हूँ महादेव। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महादेव। उसे भीम के प्रहार से बचा लीजिए। पांडवों को अस्त्र देने वाले महादेव, यदि आज मेरे पुत्र को ढाल नहीं देंगे, तो मैं स्वयं आज अपने प्राण उसके लिए समर्पित कर दूंगी। तुमने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है गांधारी। एक माँ अपनी संतान को देख देख जितनी प्रसन्नता पाती है, उसकी संतान अपनी माँ की दृष्टि से उतनी ही शक्ति भी पाती है। परंतु मैं कुछ समझी नहीं महादेव। तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ है गांधारी। वर्षों से आंखें बंद करके जो तप अर्जित किया है, उसका प्रयोग करो। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे पुत्र के शरीर को वज्र का बना देगी। वो वज्र जिसे किसी का प्रहार नहीं तोड़ पाएगा। ये आपने क्या कर दिया महादेव? आप स्वयं धर्म स्वरूप हैं महादेव, फिर धर्म स्थापना में आप बाधा कैसे बन सकते हैं?
धर्म स्थापना के लिए दुर्योधन का नाश आवश्यक है महादेव, और आपने दुर्योधन को अटूट ढाल दे दी। मैंने वही किया जो परिस्थिति के अनुकूल था। परंतु नियति के लिए तो प्रतिकूल था ना भोलेनाथ। मेरा परम भक्त यदि मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता माधव, ये तो आप जानते हैं। मानता हूं इसके कारण बार बार आपके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि हर बार की भांति इस बार भी नारायण इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे। मैं अपनी व्यवस्था से बंधा था, परंतु आप अपना कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हैं। नियति के अनुकूल पर नीति के प्रतिकूल। मैना क्या हुआ? महादेव ने दर्शन दिए? मैना बता। गांधारी महारानी। दासी, युवराज दुर्योधन से कहिए मैंने उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है, तुरंत। मृत्यु का प्रतिकार मैं एक एक से लूंगा मित्र, उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। उन्हें तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का प्रतिकार चुकाना होगा मित्र। युवराज दुर्योधन, मैं मद्राज आज तक किसी के सामने नहीं झुका, परंतु आज मैं अपना सर झुकाकर अपनी भूल को स्वीकार करने आया हूं। मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। मद्राज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। कर्म को करने के पश्चात मृत्यु मांगनी चाहिए, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं आप। ऐसे कर्म को करने के पश्चात आपका अपसाहस कैसे हुआ मुझसे क्षमा मांगने के लिए? चक्ररथ को निकालने में सहायता की होती, दिखरण को उसका विजय धनुष दे दिया होता तो आज एक धनुर्धारी मरता, परंतु वो कर्ण नहीं अर्जुन होता। आपने अपनी व्यक्तिगत शत्रुता मिटाने के लिए एक योद्धा के कर्तव्य से विश्वासघात किया। मन तो करता है कि वध कर दूं आपको, पर आप जानते हैं क्या मद्राज, ये आपका झुका हुआ सर, ये आपके लिए सबसे बड़ा दंड है। कल प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आप युद्ध भूमि से अस्त हो जाएंगे। मैं आपका मुख नहीं देखना चाहता। मैं कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं युवराज। आप लेंगे प्रतिशोध, मैं लूंगा प्रतिशोध, और उसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध लेंगे। किंतु मुझे
पश्चाताप के अवसर की आवश्यकता है युवराज। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। महारथी कर्ण का सारथी बनकर जो मैं नहीं कर सका वो मैं अब करूंगा। अपने कर्तव्य का पालन। युवराज की जय हो। महारानी ने आपको इसी समय अपने कक्ष में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। पिताश्री, माता ने यूं अचानक मुझे स्मरण क्यों किया? इस समय एक माता केवल अपने पुत्र से बात करना चाहती है। पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ याद नहीं। बड़ी बात माता, आपने मुझे स्मरण किया। हाँ पुत्र, स्मरण किया, क्योंकि मैं तुम्हारा मरण नहीं देख सकती। संपूर्ण जीवन तुम्हें केवल एक ही पीड़ा थी ना, कि तुम्हारी माता ने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। स्मरण है दुर्योधन, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व तुमने कहा था, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता। आज मैं अपनी और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ दुर्योधन। आज मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ पुत्र। सच माता, किंतु माता, अब जो मैं करने जा रही हूं उसके पश्चात तुम युद्ध जीतो या ना जीतो, परंतु मेरी ममता हार से बच जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं माता। अब मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूं पुत्र, उसे ध्यान पूर्वक सुनना और आज्ञा अनुसार ही पालन करना। दुर्योधन, क्या हुआ? क्या क्या कहा गांधारी ने? और उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? गंगा स्नान के लिए जाना है मामाश्री। गंगा स्नान? किंतु क्यों? क्यों दुर्योधन? देखो दुर्योधन, तुम अपने मामा को कुछ नहीं बताओगे हैं? ये स्नान, ये क्या है सब कुछ? माता के आदेश का पालन करने के लिए, किंतु परंतु नहीं पूछते मामा श्री। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं मामा श्री, ये यात्रा मुझे अकेले करनी है। आइए आप सब भोजन ग्रहण कर लीजिए। इन हाथों से भोजन ग्रहण करें पांचाली। इन हाथों से जो अपने ज्येष्ठ के रक्त से रंगे हुए हैं, जाओ पार्थ, जाकर विश्राम कर लो। कल प्रातः पुनः युद्ध प्रारंभ होगा और उस युद्ध के लिए सज्ज रहना होगा तुम्हें।
परिवर्तन। परिवर्तन के लिए जेष्ठ ने अपना जीवन त्याग दिया। कुछ परिवर्तनों को लाना नहीं होता पार, उन्हें होने देना होता है। तुम अपना कर्तव्य करो पार्थ, हल हो या परिवर्तन, जो भी होगा स्वयं होगा। आप कहां जा रहे हैं माधव? कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं पार्थ जिनमें सहायता करना धर्म होता है, और कुछ ऐसे जिनमें बाधा डालना आवश्यक। मैं समझा नहीं माता। समझने की आवश्यकता भी नहीं है पार्थ। मैं यहां से चलकर जाऊंगा। क्षमा करना युवराज, किंतु माता श्री का आदेश है। मुझे पूर्णता निर्वस्त्र होकर उनके स्वामित्व जाना है। परंतु यहां से महल तक का मार्ग बहुत लंबा है प्रभु, आपको कुछ पहनना होगा। अगर प्रजा की दृष्टि में आए तो राजवंश उपहास का भाजन बनेगा। क्या कर रहे हो? क्यों इस बालक को कष्ट पहुंचा रहे हो? अब तुम कौन हो हमारे बीच में आने वाले? ये मेरा पुत्र है, मैं जो चाहे इसके साथ वो करूं। तुम हमारे मध्य में आने वाले कौन होते हो? मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। क्षमा कर युवराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, परंतु वास्तविकता ये है कि इसने अपने माता पिता के आदेश का पालन ही नहीं किया। मैंने इसे बताया था, बछड़े की डोर कभी हाथ से मत छोड़ना, सदैव डोर अपने हाथ में ही रखना, परंतु ये नहीं माना। इसने बछड़े की डोर को अपने हाथ से छोड़ दिया और बछड़ा खो गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में। मेरी माता का आदेश है। देख सीख इनसे कुछ। हस्तिनापुर के युवराज होते हुए भी अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। धन्य है आप युवराज, माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना। माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना। कोई आपसे सीखे युवराज। पुत्र, तुम्हारे पिता उचित कह रहे हैं, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना। माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना। कोई आपसे सीखे युवराज। धन्य है आप युवराज।
पिता के आदेश का पालन कर रहे हो दुर्योधन, परंतु गंगा स्नान के पश्चात यूं वस्त्रहीन क्यों होकर आए हो? माताश्री का आदेश है ममश्री, निर्वस्त्र होकर आना है। बुद्धिहीन हो दुर्योधन, माता के लिए तो बालक ने गर्दन से नीचे भी वस्त्र ना पहना हो तो वो नग्न कहलाता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि युवा होने के पश्चात एक पुत्र ने अपने माता के समक्ष और एक भाई ने अपने बहन के समक्ष निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए। पुत्र पौत्र वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं औघड़ बनकर जाओगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.